अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह दोनों दिग्गज आगामी T20 विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भारत को विश्व कप 2023 के फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। इस T20 सीरीज के लिए कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी चुना गया है। दोनों धुरंधरों की 14 महीने बाद भारत की T20 टीम में वापसी हुई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला 2022 के वर्ल्ड कप में खेला था। रोहित शर्मा और विराट कोहली को अरसे बाद T20 टीम में जगह देकर चयनकर्ताओं ने सुरक्षित रवैया अपनाया है। पिछले 2 T20 विश्व कप में खिताब जीतने में नाकाम रहने के बाद रोहित और कोहली ने फिर से T20 इंटरनेशनल में लौटने की इच्छा जताई है। भारतीय चयनकर्ताओं ने नवंबर 2022 में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मिली हार के बाद कई नए खिलाड़ियों को टीम में चुना है। हालांकि अब सेलेक्टर्स ने यू टर्न लेते हुए T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर दोनों सीनियर खिलाड़ियों को फिर से मौका दिया है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। कोहली रोहित ने भारत को ICC विश्व कप 2023 के फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। देखा जाए तो रोहित शर्मा ने क्रिकेट विश्व कप 2023 में काफी आक्रामक क्रिकेट खेला था। अब रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ मोहाली में शुरू होने वाली सीरीज में भी वह इसी अंदाज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। कोहली ने 148 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 137.96 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। बड़े टूर्नामेंट में अनुभवी खिलाड़ियों का होना भी जरूरी है। युवा खिलाड़ियों जैसे यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को जो भी मौके मिले हैं उसमें उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है, लेकिन ICC की प्रतियोगिता में अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। सुनील गावस्कर और सौरव गांगुली ने भी इसको महत्व देते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली को T20 विश्व कप में टीम में शामिल करने की वकालत की थी। पूर्व भारतीय चयनकर्ता शरणदीप सिंह ने भी रोहित और कोहली को टीम में शामिल करने का फैसला सही करार दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी PTI से कहा, यह सही फैसला है। ICC इवेंट में आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो अच्छी तरह से दबाव झेल सके। उन दोनों ने हालिया विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया और वे अच्छे फॉर्म में भी हैं, लेकिन इसके कारण जायसवाल और गायकवाड़ के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। 1 जून से शुरू हो रहा है T20 वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा और विराट कोहली का चयन करके चयनकर्ताओं ने बता दिया है कि वे T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से 29 जून तक वेस्टइंडीज और US में खेला जाना है। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा को लगता है कि चयनकर्ताओं को दोनों खिलाड़ियों का चयन करना था और वह इनमें से किसी एक को भी बाहर नहीं रख सकते थे। आकाश चोपड़ा ने अपने YouTube चैनल पर कहा, ऐसा लगता था कि वह अगले T20 विश्व कप में नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने पिछले विश्व कप के बाद इस प्रारूप में कोई भी मैच नहीं खेला था। उन दोनों की स्थिति अभी एक जैसी है। अगर चयनकर्ता किसी एक को भी बाहर रखने के बारे में सोचते तो तब भी वह ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्हें इन दोनों का ही चयन करना था। आपको बता दें कि भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को मोहाली में होगा। फिर दोनों के बीच दूसरा T20 में 14 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। फिर आखिरी मुकाबला बेंगलोर के M. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।